दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारतीय उद्योगपति, समाज सेवी और विश्व के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनियों में से एक एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल की, जिन्हें दुनिया के गिने चुने सबसे सफल लोगों में शुमार किया जाता है। सुनील की कंपनी एयरटेल भारत की पहली और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और मौजूदा समय में यह करीब 18 देशों में कार्यरत है, जिनके ग्राहकों की संख्या 372 मिलियन आकी गई है। और मौजूदा समय में सुनील मित्तल भारत के 8वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों, सुनील को यह सफलता यूं ही नहीं मिली, यह उनके कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और कोशिशों का फल है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय लिए हम भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरमैन सुनील मित्तल की लाइफ स्टोरी को शुरू से जानते हैं। सुनील का जन्म 23 अक्टूबर 1957 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उनके पिता का नाम सतपाल मित्तल था, जो एक पॉलिटिशियन थे और दो बार लोकसभा से और एक बार राज्यसभा से सांसद भी रह चुके थे। हालांकि वे अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। 1992 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। सुनील मित्तल के अगर एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मसूरी के वेनबर्ग एलन स्कूल और ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से की और फिर आगे चलकर 1976 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट एंड साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। हालांकि सुनील का कहना है कि शुरू से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और बचपन से ही वे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। इसीलिए महज 18 साल की उम्र में ही उन्होंने बिजनेस की तरफ अपना पहला कदम रखा और फिर अपने पिता से 20,000 रुपए लेकर कुछ दोस्तों के साथ मिल साइकिल का एक पार्ट बनाने लगे और वो पार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे भी कोई खास आइडिया नहीं है कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। कुछ दिनों तक साइकिल का पार्ट बनाने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि इस बिजनेस में अपना टाइम देकर वे ज्यादा सफल नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इसे बंद करने का फैसला किया और फिर वे मुंबई चले गए, जहां 1981 में उन्होंने इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा और फिर जापान से एक्सपोर्ट किए गए पोर्टेबल जनरेटर्स को बेचने का काम करने लगे। इस बिजनेस से उन्हें खूब फायदा हुआ और अब ऐसा लग रहा था कि सुनील की लाइफ पूरी तरह से सेट है। लेकिन तभी भारतीय सरकार ने जनरेटर के आयात पर रोक लगा दी, क्योंकि दो भारतीय कंपनियों को अपने देश में ही जनरेटर बनाने का लाइसेंस दे दिया गया था। हालांकि इस घटना से सुनील मित्तल ने हार नहीं मानी, बल्कि यह सीख लिया कि अगर आगे चलकर इस तरह का कोई भी मौका आएगा तो वे उसका फायदा जरूर उठाएंगे। आगे भी सुनील अलग अलग काम करते रहे और 1984 में ताइवान की कंपनी किंगटेल से उन्होंने नए जनरेशन का पुश बटन फोन इंपोर्ट कर बेचने का काम शुरू किया, क्योंकि अभी तक भारत में वही पुराने फोन यूज किए जा रहे थे जिसमें नंबर को दबा दबा कर हमें घुमाना पड़ता था। 1990 में सुनील ने फैक्स मशीन और बिना तार वाले फोन्स की भी बिक्री की। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सुनील मित्तल की पूरी जिंदगी ही बदल दी। 1992 में उन्होंने भारत में नीलाम किए जा रहे मोबाइल फोन नेटवर्क के लाइसेंस के लिए बोली लगाई और चार कंपनियों में उनकी कंपनी BCL को भी एक लाइसेंस मिल गई। हालांकि उन्हें यहां भी कई समस्याओं से जूझना पड़ा। लाइसेंस लेने वालों के लिए सरकार ने एक शर्त रखी थी कि उनके पास टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होना चाहिए। इसीलिए मित्तल ने फ्रेंच के एक टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया और इस समस्या को भी दूर भगा दिया। बस यहां से सुनील मित्तल और उनकी कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एयरटेल ब्रांड नेम के साथ उन्होंने कुछ ही सालों में 20 लाख मोबाइल ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया और ऐसा करने वाली एयरटेल कंपनी पहले टेलीकॉम कंपनी बनी। और अगर मौजूदा समय की बात करें तो एयरटेल के ग्राहकों की संख्या 372 मिलियन है। 2007 में सुनील मित्तल के योगदानों के लिए उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुनील मित्तल एक बिजनेसमैन होने के साथ ही साथ एक समाज सेवक के रूप में भी काम करते हैं। वे भारतीय फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट चलाते हैं जो गांव के गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है। दोस्तों, सुनील मित्तल की लाइफ हम सबके लिए एक प्रेरणा है। वे अपने जीवन में कई बार गिरे और संभलते रहे,
लेकिन कुछ बड़ा करने की कोशिश उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ी। और कहते हैं ना कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।